मेरा नाम अविनाश सिंह राठौड़ है। आप सबके लिए मैं टाइगर हूँ। आज आप सबको ये बताया जा रहा है कि टाइगर थ्री को लेकर एग्जीबिटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। सलमान खान की ये फिल्म दिवाली के दिन रिलीज हो रही है, इसलिए सबको उम्मीद थी कि फिल्म की कमाई उस दिन कमजोर रहेगी। आज तक दिवाली के दिन सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड क्रिश थ्री के नाम है, जिसने 15 करोड़ रुपए कमाए थे। ये रिकॉर्ड तो टाइगर थ्री आसानी से तोड़ती नजर आ रही है। देखना यह है कि कलेक्शन से कितने ऊपर जाते हैं। अब खबर ये आ रही है कि टाइगर थ्री की वजह से इंडिया और विदेशों में कई थिएटर 24 घंटे चलने वाले हैं। दिल्ली के सिने स्टार्स मिनीप्लेक्स ने लक्ष्मी पूजा वाले दिन टाइगर थ्री का रात 2 बजे का शो रखा है, जो कि सुबह 5 बजे खत्म होगा। उसके बाद सुबह 7 बजे से नए शो चालू हो जाएंगे। वहीं मिडिल ईस्ट के कई थिएटर रात 12 बजे से ही फिल्म का शो चला रहे हैं। वॉक्स सिनेमा रात 12:05 से टाइगर थ्री का शो रखा है। वही नथिंग मॉल में रात 2 बजे से टाइगर थ्री के शो शुरू होंगे। अरब देशों में सलमान की फिल्म को दिवाली वाला मसला भी फेस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए थिएटर्स अपने यहाँ 24 घंटे टाइगर थ्री के शो चलाएंगे। वहीं इंडिया में टाइगर थ्री के रिलीज के दूसरे दिन यानी कि सोमवार से थिएटर्स 24 घंटे चलेंगे। भारी बस को देखते हुए एग्जीबिटर्स ने टाइगर थ्री को फुल कैपेसिटी पर चलाने का फैसला कर लिया है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी बहुत ही मस्त चल रही है। पहले दिन के लिए फिल्म ने लगभग 7 करोड़ रुपए की टिकट एडवांस में बुक कर लिए है। इंडस्ट्री ट्रैकर Saturn.com के मुताबिक पहले दिन के लिए देश भर से टाइगर थ्री के 2.26 लाख टिकट बिक चुके हैं। इसमें मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन दोनों शामिल है। अगर सिर्फ मल्टीप्लेक्स की बात करें तो 7 नवम्बर की शाम 5 बजे तक PVR आईनॉक्स और सिनेपोलिस में पहले दिन के लिए टाइगर थ्री के 92,000 टिकटों की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि फिल्म की फाइनल एडवांस बुकिंग 3 से 4 लाख के बीच रह सकती है, जिससे 17 से 20 करोड़ रुपए की कमाई हो जाएगी। इसके अलावा फिल्म पहले दिन कितने पैसे कमाती है, ये ऑन स्पॉट बुकिंग पर भी निर्भर करेगा। टाइगर थ्री की डायरेक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि उनकी फिल्म में कुल 12 एक्शन सीक्वेंस है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। मनीष का कहना है कि अगर आप आईमैक्स में इस फिल्म को देखेंगे तो पाएंगे कि फिल्म का एक्शन किसी इंटरनेशनल फिल्म जितना ही एक्साइटिंग और फ्रेश है। मनीष ने ये भी बताया कि रुआन गाने का वीडियो वर्जन फिल्म रिलीज के दिन यानी कि 12 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि उससे टाइगर थ्री के प्लॉट का अहम हिस्सा जुड़ा हुआ है। टाइगर थ्री में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रेवती, रणवीर शौरी और विशाल जेठवा जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। तो फिलहाल आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सीख रही है, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।